अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसीब इकबाल। जी, जब मैंने कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल ज्वाइन किया था, उसका मेरे पास एक छोटा सा व्लॉग बनाया था उस टाइम मैंने, और वीडियोस बनाई थी। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि अपनी ज्वाइनिंग कैसी हुई थी वो जो है बताएँ। तो वो असल में मैं अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तो अपलोड नहीं कर चुका था। इस बार मैंने सोचा कि वो एक छोटा सा व्लॉग है, उसको एडिट करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हम किस तरह गए, उधर क्या हुआ, और उसके बाद मैं पेरेंट्स से मुझे ड्रॉप किया, फिर वापस आए। तो आपको अपने साथ लेके चलूँगा, पहले से बताऊँगा किस तरह मेरे बैग था और हम गए, फिर हसन अब्दाल में एंट्रेंस है, डिफरेंट चीज़ें हैं, और उधर जो रिसेप्शन है उसकी वीडियोस हैं, उसकी चीज़ें, वो आपको साथ लेके चलेंगे और वो शेयर करेंगे। आए मेरे साथ। तो जी, 28 मार्च था जब मैंने CCH ज्वाइन करना था, और ये मेरी जाने की कुछ तस्वीरें हैं, बैग था और कुछ चीज़ें जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैं लेके गया था। तो इसके बाद जब हम कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल पहुँच गए, तो उन्होंने फिर हमें हमारा कॉल अप लेटर देखा। कॉल अप लेटर देखने के बाद हमें अंदर अलाउ किया कि आप अंदर चले जाएँ। तो इस तरह कॉल अप लेटर देख के हमारा सामान भी गेट पर ही उतरवा लिया था, उसके बाद हमें अलाउ कर दिया था कि आप अंदर चले जाएँ। जब हम अंदर पहुँचे तो वहाँ पर एक ब्यूटीफुल टैंक खड़ा है, हमने कहा उसके साथ तस्वीर बना लें, और कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल के जो अयूब ब्लॉक है उसके सामने भी पिक्चर्स बनाई। जब हम अंदर पहुंचे तो हमें एक अच्छी रिसेप्शन दी गई, जिन्हें कैडेट्स ने और हमें टीचर्स ने दी, और विंग अलॉट किया और डिफरेंट चीज़ें दी, डॉक्यूमेंट्स हमने उधर सबमिट कराए। तो फिर वो करने के बाद हम विंग की तरफ चलने लगे। तो विंग की तरफ जाते हुए दरमियान में ओवल ग्राउंड है, इसका नाम ओवल रखा गया है, और इसके साइड्स पर तीन विंग्स इस तरफ हैं, और जिना विंग है, इनका ऊपर एक कोड भी लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है बाकी तीन विंग्स हैं ओवल की उस तरफ। और ये हैदर विंग के सामने, जो मुझे हैदर विंग अलॉट हुआ उसके सामने पिक्चर है, और हैदर विंग के बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक कायद आज़म का कोट लिखा हुआ है, उसकी पिक्चर है। तो जब हम कमरे में पहुंचे तो हमें अपना जो कबर्ड अलॉट हुई और कमरे बेड्स अलॉट हुए, तो मेरी कबर्ड की है और ये मेरा रूम है। इसके साथ साथ आपको अपना रूम और अच्छे तरीके से बताता हूँ। मेरे फादर मेरे बेड पर बैठे हुए हैं और मेरे चाचू हैं। इस तरह एक 8th क्लास का बड़ा सा डॉम होता है, इसे हम डॉम कहते हैं। उसके बाद हमें कहा कि लंच के लिए प्रिपेयर हो जाएं, तो लंच के लिए हमने ये कपड़े पहने, वॉकिंग आउट इसे कहते हैं, और ये पहनने के बाद कुछ लंच करते हुए मेरी कुछ तस्वीरें हैं, और ये कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल के पहले दिन की ही तस्वीरें हैं। इसके बाद आपको लेकर चलता हूँ अपने स्विमिंग पूल की तरफ। तो ये मेरा स्विमिंग पूल है, कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल का स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, कोच हैं वो सिखाते हैं और डाइव्स कराते हैं, और डीप में फेंकते भी हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती। इसके बाद जो है हम सबको जो है वो दिया गई, पेरेंट्स को स्पेशली ब्रीफिंग दी गई प्रिंसिपल एजुडेंट की तरफ से नईम हॉल में, और इसकी कुछ जो वीडियो है वो आपके सामने है। और इसके बाद जो है हमें लेके गए गए, कपड़े चेंज कराए, और ये कटिंग ड्रेस है कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल का, और ये कटिंग ड्रेस में मैंने अपने पेरेंट्स को वहाँ से रुखसत कर दिया। उसके बाद हमारा नया दिन शुरू हुआ, और ये हमारा पहला दिन है कैरेट। एक छोटा सा व्लॉग था जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, एक व्लॉग तो नहीं, एक मेमोरी थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ताकि मेरे लिए भी एक मेमोरी रहे मेरा पहला दिन कैसा था, और आप लोगों को भी पता चले, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था। तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा शेयर किया, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।